गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर खानपुर आज मैं बात करूंगा कोलाइटिस के बारे में एक बर्निंग क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है डॉक्टर से कि क्या कोलाइटिस जड़ से खत्म हो जाएगी क्या अल्सरेटोकोलाइटिस क्योर हो जाएगी या जड़ से खत्म हो जाएगी यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सबसे पहले समझिए कि को ट्रीट करने के लिए हम क्या दवाइयां इस्तेमाल करते हैं नंबर वन पर जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है दैट इज फाइव ए एस ए या फाइव ये जो मेडिसिन है इसमें आती है यह फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इसमें जो आती है इसमें आती है सल्फाजीन इसमें आती है मेसलामाइन इसमें आती है बेल सलाजाइड और इसमें आती है ओल्ड सलाजाइड ये जो चारों मेडिसिन है ये डिपेंड करता है कि आपको किस मेडिसिन को दिया जाना है कि आपकी जो डिजीज प्रोसेस है वो बड़ी आंत में कितने एरिया में है अगर सिर्फ लेफ्ट साइड है तो ये मेडिसिन मिलेगी अगर पूरी की पूरी बड़ी आंत में है या कोलोन में है तो आपको दूसरी मेडिसिन मिलेगी तो फाइव ए से किस आपको तरह की मिलेगी वो डिपेंड करता है कि आपके डिजीज का एक्सटेंट क्या है नंबर दो पर आते हैं कार्टिकोस्टीरोइड जो कार्टिकोस्टीराइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इफेक्टिव है इसमें आती है प्रेडनीसोन और ब्यूटीनोस

आपको तभी यूज करना है जब

टर हैं वास्तव में हमारे इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है जिसके चलते ये बीमारी डेवलप होती है या डेवलप होती है उसको कंट्रोल करती हैं या मिनिमाइज करती हैं जो इम्यूनिडर हम यूज करते हैं कॉमनली उसमें नंबर वन पर आती है एजाथायोप्रीन नंबर दो पर आते हैं साइक्लोस्पोरिन और नंबर तीन पर आते हैं मरकेप्टोप्यूरिन ये जो मेडिसिन हैं वास्तव में जो इम्यून रिस्पॉन्स उसको सप्रेस करती हैं इन इंफ्लेमेशन को कंट्रोल करके चलती हैं लेकिन इन दवाइयों के साथ में वही प्रॉब्लम है इनके बड़े सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट हैं कभी कभी ये बोन को सप्रेस करने की ताकत रखती हैं इन ब्लड का प्रोडक्शन हेम्पर कर सकती हैं तो इनके लिए हमें ब्लड की मॉनिटरिंग की लगातार जरूरत पड़ती है नौ क्वेश्चन यही है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये बीमारी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाए आज की तारीख में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो मैं ये कहूं कि ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी या क्योर हो जाएगी ये बात सही है कि रिसर्च इज ऑन गोइंग इन नए नए मॉलिक्यूल्स डेवलप होते चले जा रहे हैं जिससे बेटर कंट्रोल हो जो डिजीज है काफी लंबे समय तक रेमिशन में चली जाए एंड कोशिश की जाती है कि जो रेमिशन से डिजीज पलट के ना आए क्योर की हमेशा एक तलाश है वास्तव में क्योर बताएगा जाते है, मैं चाहता हूं आप उनको समझें नंबर वन इज दिमिलर मेडिकेशन जो आज की तारीख में अवेलेबल है नंबर दो पर आते हैं जॉनस इनिविटर या जैक इनिविट

कुछ प्रोटीन्स होते हैं इंटेस्टीन में जो इंफ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं उसको ब्लॉक करने की ताकत रखते हैं तो बायोसिमिलर मेडिसिन इज द न्यू कैटेगरी ऑफ मेडिसिन में यूज की जाती है जैसा मैंने कहा नंबर दो पर आते हैं जैक इनिबिटर मेडिकेशन जैसे आते हैं टूफॉक्टिनिप ये इस तरह की जो दवाइयां हैं ये कुछ एंजाइम्स हैं जो इंफ्लेमेशन ट्रिगर करते हैं उनको ब्लॉक करने की ताकत रखते हैं तो कुछ एंजाइम्स हैं जो इंटेस्टीन में ट्रिगर करेंगे इंफ्लेमेशन को घाव करेंगे अल्सर करेंगे ब्लीडिंग कराएंगे वो जो इस तरह का इन्फ्लेमेशन है उसको ब्लॉक करते हैं जैक इनिबिटर्स, जो आज की तारीख में अवेलेबल है टोफाक के नाम से नाउ इसके अलावा दो और एरियाज़ हैं जिसमें सबसे ज्यादा रिसर्च

जीन थेरेपी की दिशा में काम आगे नहीं बढ़ेगा या जीन थेरेपी नहीं डेवलप हो पाएगी शायद इस बीमारी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा नो अगर हम ध्यान से देखें तो अभी तक तीन ग्रुप की मेडिसिन की बात की मैंने नंबर वन आर फाइव ए एस ए या आई मीन अमाइनो सेलिसिलिक एसिड नंबर दो पर आते हैं कार्टिको स्टेरॉइड नंबर तीन पर आते हैं इम्यूनिमोडुलेटर्स जैसे एजाथायोप्रीन नो ये नंबर चार जो मैंने अभी कहा जेक इनिबिटर्स नाम की जो दवाइयां हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं जो जेक इनिबिटर में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है, है इस टोफाक्टिनिब

सिस्टम को गड़बड़ करते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखते हैं जो बायोलॉजिकल्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं नंबर वन आर इन्फ्लेक्सी मैप नंबर टू इज मैप। ये दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं एक और इस्तेमाल करने के लिए आ गया है दैट इज ये जो टारगेट करता है वो इंटेस्टिन को टारगेट करता है और उसमें जो है उसको कम करने की ताकत रखता है नो ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में ऐसा कोई दुनिया में दवाई नहीं है जो मैं ये कहूं कि यह तो कहूंरेटिविस को जड़ से खत्म कर देगी देर इज नो नोन मेडिसिन अगर हम देखें कि सिर्फ क्योर अगर है तो वह सिर्फ सर्जरी से है आपकी इंटेस्टीन को जो है पूरा निकाल के अलग कर दिया जाए इंक्लूड्स रेक्टम या जहां लेट्रिन ले ले इकट्ठी होती है तो अगर कोलन पूरी की पूरी निकाल दी जाए रेक्टम के साथ में तो चूंकि पूरी कोलन रेक्टम के साथ में अलग कर दी जाएगी तो अल्सरेटिव कोलाइटिस नेचुरली ही खत्म हो जाएगी तो अगर हम देखें तो अगर क्योर की बात करें तो सर्जिकल ऑप्शन आज की तारीख में वो अपनी एक रिस्क लेके चलती है इसलिए वो रिजर्व की जाती है ओनली फॉर पीपल जो कि दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं लेकिन दवाइयां कभी कभी लंबी खानी पड़ जाती हैं कभी यह डिजीज रेमिशन में जाती है तो लंबे समय रेमिशन में रहती है लेकिन इस बीमारी से जड़ से छुटकारा नहीं मिल पाता है सर्जरी इज दी ओनली ऑप्शन लेकिन सर्जरी की अपनी समस्याएं हैं अगर अल्सरेटोकोलाइटिस को जड़ से खत्म करना है क्या उसके लिए कोई दवाइयां अवेलेबल हैं क्या सर्जिकल ऑप्शन आपके सामने खड़ा हुआ है इस चीज को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वी मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच